हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में एक टॉपिक है जो काफी टाइम से पेंडिंग चल रहा था एंड देर वर सो मेनी स्टूडेंट्स वर रिक्वेस्टिंग फॉर दिस टॉपिक दैट वाज कॉल्ड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन होता क्या है उसके क्या प्रोज है क्या कौनस है क्या प्रिंसिपल्स है सब कुछ इस पर्टिकुलर टॉपिक में डिस्कस करेंगे सो लेट्स बिगिन सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है दैट की मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन होता क्या है तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज अ वर्क प्रैक्टिस दैट फाइनेंस एंड बिजनेस इंडस्ट्रीज ऑफ यूज अब होता है क्या है कुछ एक ऐसी प्रैक्टिस होती हैं जो हर कंपनी डेफिनेटली इसको यूज करना चाहती है क्योंकि इनसे उनके रिसोर्सेज और टाइम बहुत ज्यादा सेव होते हैं जैसे ज्यादातर केसेज में क्या होता है कि कुछ कंपनी के रूटीन एक्टिविटीज होती है राइट right? जो की हमें रेगुलर बेसिस पे करनी है और कुछ एक ऐसी एक्टिविटीज होती है जब कोई क्राइसिस आ गया कोई प्रॉब्लम आ गई कोई ऐसी चीज हो गई जो रूटीन एक्टिविटी का पार्ट नहीं है तो उस सिचुएशन में क्या होता है जो लोअर लेवल के मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो डेफिनेटली थोड़ा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें उस तरह के क्राइसिस को हैंडल करने की जरूरत नहीं होती तो इन दैट सिचुएशन वो जाकर अपने मैनेजर को फटाफट बताते हैं कि सर इस तरह का क्राइसिस आया तो इसमें हम क्या कर सकते हैं तो अगर तो रूटीन एक्टिविटीज चल रही है तो वहां पर तो आपको जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है उसको हाई लेवल मैनेजमेंट के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है बट कुछ सिचुएशन में जब आपके सिचुएशन हाथ से निकल जाए या कोई स्पेसिफिक है तो क्या होगा जितने भी हायर मैनेजमेंट के लोग हैं वो माइक्रो लेवल इशूज में ही फंसे रहेंगे और वो कभी भी माइक्रो लेवल पिक्चर को नहीं देख पाएंगे राइट दिस प्रैक्टिस अलाउज एम्प्लॉज टू नॉट ओनली इन्वॉल्व देयर मैनेजर ऑन स्पेफिक इशूज मैनेजमेंट बाई जो होता है वो स्पेसिफिक इशूज के लिए यूज किया जाता है जो रूटीन एक्टिविटीज नहीं होती है कोई ऐसा कोई ऐसा कंसर्न जो कि अचानक आ जाए या कोई ऐसी चीज जो रूटीन का पार्ट नहीं है वहां पर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन यूज होता है वर्क इंडिपेंडेंटली सबसे बड़ा इसका जो फायदा होता है वो ये होता है कि जितने भी प्रोफेशनल्स हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट के लोग हैं मिडिल इंडिपेंडेंट मिलता है कि वो अपने, अपने पे ही को और प्रेशर सिचुएशन आए जब कोई ऐसी आए, जहां पर कि उनको लगे कि डेली एक्टिविटीज से हटकर कोई चीज हो रही है वहां पर ही वो जाके हायर मैनेजमेंट की हेल्प मांगे अदरवाइज छोटे मोटे एक्टिविटीज को वो अपने लेवल पे ही सॉर्ट आउट कर ले इट इंश्योर्स दैट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स इन्वेस्ट मोर ऑफ देयर टाइम इन इट

मे ओनली नीड टू कॉन्टेक्ट द मैनेजर इफ द अकाउंट फेल्स अंडर अ सर्टन अमाउंट अब बेसी बात है अगर कोई बजट का काम देख रहा है और बजट में एकदम से कोई चेंजेस आए कोई एकदम से इशू आए तभी वो किसी जाके हायर ऑथोरिटी को मिलना चाहेगा अदरवाइज उसको मिलने की जरूरत नहीं है रूटीन एक्टिविटी जैसे चलती है वैसे चलती रहेगी राइट right? अब ये पूरा कैसे काम करता है इसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें होता क्या है क्या सेट ए स्टैंडर्ड फॉर नॉर्मल ऑपरेशन तो जितने भी नॉर्मल ऑपरेशन है मतलब जो भी ऑपरेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन में डेली बेसिस पर होते, है, कोई होते हैं कोई डेली एक्टिविटीज होती है आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो उसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है एक पूरा लेआउट बना देना है कि डेली ऑपरेशन क्या क्या होते हैं राइट और उसके बाद जितने भी इम्प्लॉइज हैं उनको ये समझा देना है कि ये हमारी नॉर्मल हैपनिंग्स है और ये वर्क टू डे डे टू डे में ये नॉर्म है इसको डेली बेसिस पर आप बस ट्रैक करो कि ये चीज हो रही है नहीं हो रही ये सबसे पहला स्टेज है तो फॉर एग्जाम्पल की अगर हर फ्राइडे को किसी कंपनी में डिपोजिट आता है तो उसको ये देखना है कि हर फ्राइडे को आ रहा है या नहीं आ रहा अगर किसी पर्टिकुलर फ्राइडे को नहीं आता है तो इन दैट सिचुएशन उसको कुछ करने की जरूरत है अदरवाइज वीकली पैटर्न जो चल रहा है उसको बहुत स्टडी कीजिए और फॉलो कीजिए तो ये इसका फर्स्ट स्टेज हो गया सेकंड चीज यहाँ पे क्या होता है आप अंदर ही अंदर हिरारकी भी बना सकते हैं हिरारकी का मतलब क्या है कि आप चाहो तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट के अंदर ही आप लोअर लेवल मैनेजमेंट में ही कुछ लोगों को अपॉइंट कर सकते हो जो आपके बिहाफ पे हायर मैनेजमेंट के बिहाफ पे उन डिसीजन को ले सके तो कुछ कंपनीज क्या करती है लीडरशिप क्वालिटीज को देख करके लोअर लेवल मैनेजर में ही कुछ लोगों को प्रमोट कर देती है जो कि माइनर इश्यूज का सारा काम देखते हैं प्लस अपर लेवल मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ मेजर इश्यूज को ही देखता है तो जितने भी इंटरनल इश्यूज आएंगे कोई छोटा मोटा काम आएगा वो वही उसी लेवल पे जो मैनेजर होगा वो उसको सॉर्ट आउट कर देगा और ऊपर तभी जाएंगे जब कोई एक्सेप्शन वाली बात हो जाए कोई ऐसी चीज हो जाए जो पहले कभी नहीं हुई है तो वन मैनेजर इन कंपनी मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द बजट रिलेटेड इश्यूज तो आप कर क्या सकते हो एक मैनेजर को अपॉइंट कर दो जो बजट से रिलेटेड जितने भी डिसीजन होंगे वो

और प्रोफेशनल्स की तरह काम कर रहे हैं आपकी कंपनी में उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे आ रही है उसको आप हमेशा अपने की जो हैं, उससे के देखोगे कि जो स्टैंडर्ड्स तो से, से उस क्राइसिस को सोल्व किया वो सब कुछ यहाँ पर आप इवेल्यूएट कर सकते हो और लास्ट में इन्वेस्टिगेटिंग एंड सोलविंग एक्सेप्शनल सिचुएशन और डाटा दैट गोज अगेंस्ट दॉब ऑब्वियसली रूटीन एक्टिविटी में नहीं आता है और कुछ अलग हो रहा है अगर ऐसा कुछ होता है तो उन दैट सिचुएशन में किस तरह से वो आपको रिपोर्ट कर रहा है वो मैनेजर किस तरह से सारी सिचुएशन आपको समझाई जा रही है कैसे टीम बिल्डिंग की जा रही है सिमिलरली इफ द मैनेजर लर्न दैट कोई डिपार्टमेंट इज नॉट रीचिंग द प्रोडक्टिविटी गोल अगर कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहा है तो वहां पर हमें जानना बहुत जरूरी है कि उसका कारण क्या है उसके क्या रीजन है एंड देन वी नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन और हमें उसका सोल्यूशन भी ढूंढ कर निकालना है तो इस तरीके से आप मैनेजमेंट एक्सेप्शन से काम ले सकते हो राइट right?

तो बेसिकली डेलीगेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट बेस है क्योंकि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का पर्पस ही यही है कि जो लोअर प्रायोरिटी वाले टास्क हैं वो लोअर लेवल पे ही किए जाएं और जो हायर प्रायोरिटी वाले टास्क हैं उन्हीं को आप मैनेजर या टॉप लेवल मैनेजमेंट के सामने लाके रखा जाए तो ये सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है सेकंड चीज ऑर्गेनाइजेशन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इन ऑर्डर टू कंपनी टू प्रैक्टिस मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एफिशिएंटली प्रोफेशनल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स आर ऑब्जर्व एनी डिविएशन फॉर द कंपनी नॉर्म्स ऑब्वियसली जो कंपनी के नॉर्मल रिकॉर्ड नॉर्मल काम चल रहा है अगर उससे कुछ भी डिविएशन आता है तो उस चीज को समझना और उस चीज को जानना बहुत जरूरी है तभी आप जाके ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट कर पाओगे कुछ डिविएशन आ रहा है प्रोफेशनल कंसीडर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीडरशिप विद इन द कंपनी जैसा मैंने आपको बताया था कि कंपनी के अंदर ही डिपार्टमेंट के अंदर ही आप लीडर्स को अपॉइंट करते हो और वो लोग फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं कि अगर कुछ भी डिविशन होगा तो हम देखेंगे उसको राइट मूविंग ऑन टू द थर्ड थिंग इज प्रोफेशनल इंप्रूवमेंट ऑब्वियसली यहाँ पर आप पावर को डेलीगेट कर रहे हो राइट यू आर गिविंग इट टू जो कि आपके बिहाफ पे माइनर इश्यूज को देखेगा तो उससे उन लोगों के भी जिन लोगों को आप काम दोगे उनका भी बहुत डेवलपमेंट होता है ठीक है डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ देयर सुपरविजन मॉनिटरिंग पावर देर लीडरशिप स्किल्स हाउ दे कैन कम्युनिकेट विद अदर पीपल हाउ दे कैन गेट देयर थिंग्स डन एट देयर ओन लेवल और ओवरऑल उस पर्टिकुलर सेक्शन की प्रोडक्टिविटी कैसी चल रही है वो सब कुछ यहां पर आप ध्यान रखकर करवा सकते हो राइट और इसके प्रिंसिपल्स क्या है तो इसके बाद प्रोडक्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओवरऑल एम क्या होता है किसी भी बिजनेस का कि आपका एफिशिएंसी बढ़ना चाहिए आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए ऐसा ना हो कि छोटे मोटे काम के लिए हम जो है लगातार टॉप मैनेजमेंट को परेशान कर रहे हैं और जब तक टॉप मैनेजमेंट डिसीजन नहीं ले रही तब तक हम कोई काम ही नहीं कर रहे ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में मैंने होता हुआ देखा है कि लोगों के हाथ में पावर ही नहीं है कि जो छोटे मोटे लेवल डिसीजन भी ले सके और उसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन सफर करती है इन द लॉन्गर रन तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो चीजें छोटे मोटे एक्टिविटीज हैं जो कि इतनी रूटीन एक्टिविटीज हैं उनको आप डेलीगेट करो और नीचे के लेवल पे ही उसको रिसॉर्ट करने की कोशिश करो मूविंग ऑन द नेक्स्ट चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट दैट इज कॉमन गोल्स अब यहाँ पे जो गोल है वो कॉमन होना बहुत जरूरी है दैट मीनस जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं चाहे वो किसी भी लेवल पे काम कर रहे हो उनका गोल एक होना चाहिए एंड दैट इज द रीजन वाई द कंपनी का स्टैंडर्ड हम बनाते ही इस तरह से कि जितने भी इम्प्लॉयज हैं वो उस चीज को विजन को समझें और उसको फॉलो करें ईच इम्प्लॉय इन द कंपनी देन वर्क फॉर अचीविंग द सेम गोल एंड ऑफ होल्डिंग द सेम कंपनी स्टैंडर्ड ऑब्वियसली अगर आप स्टैंडर्ड बना रहे हो तो गोल्स को भी स्टैंडर्डाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर उन्हीं गोल्स के लिए इम्प्लॉयज की समझ होनी बहुत इंपॉर्टेंट है सो so दैट वो उसको अचीव करने के लिए डायरेक्शन में मूव करें ठीक है और फाइनली एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट दैट इज कॉल्ड एनालिसिस एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम टू टाइम आप देखो कि मैनेजर के स्किल्स किस तरह से हैं उनके प्रिंसिपल्स किस तरह के हैं उनकी मॉनिटरिंग स्किल्स किस तरह की है उनकी लीडरशिप स्किल्स किस तरह की हैं और वो हमारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं या नहीं करते कंपनी के स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं या नहीं होते कितना डिविएशन आता है और उसके हिसाब से आप वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते राइट अब इसके कुछ प्रोज की बात करते हैं कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के फायदे क्या होते हैं अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो तो सबसे पहला फायदा होता है एफिशिएंट प्रैक्टिसेस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जितने भी चूंकि आपने लोअर लेवल मैनेजमेंट पे ही डिसीजन लेने का पावर दे दिया है तो उससे एफिशिएंसी काफी बढ़ जाती है डेलीगेशन हो गया तो नीचे लेवल पे ही बहुत सारे काम हो जाते हैं जिसमें टॉप मैनेजमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता और इससे इम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है प्लस आपके प्रोसेस भी काफी इंप्रूव होते हैं राइट रादर देन की छोटी छोटी, छोटी चीजों के लिए हम हायर मैनेजमेंट को कॉन्टैक्ट करते हैं

ज फीलिंग सेटिसफाइड और नॉट सेफाइड तो उस सिचुएशन में आपके लोगों को समझ में आना चाहिए कि हाई लेवल प्रायोरिटी जॉब कौन सी है लो लेवल प्रायोरिटी जॉब्स कौन सी है किसके लिए टॉप एन के पास जाना है किसके लिए नहीं जाना है ये इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए तीसरी चीज मोटिवेट्स इंप्लाइज ऑब्वियसली इंप्लाइज क्यों नहीं मोटिवेट होंगे उनको पावर मिलती है उनको पावर मिलती है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है उसी के हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है उसी हिसाब से उनकी सैलरीज इंक्रीज होती हैं बोनस मिलता है डिजिग्नेशन मिलती है तो ऑब्वियसली उनको बहुत फायदा मिलता है वो लोग काफी फोकस होकर काम करते हैं उन्हें ये भी पता होता है कि ये मेरे कौन से काम मेरे स्कोप में आता है कौन सा काम मेरे स्कोप में नहीं आता वो सब कुछ यहाँ पर क्लैरिटी से पता चल जाता है इसके कौन क्या है क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं इसमें तो सबसे पहला इशू जो आपको आता है दैट इज लेस प्रिवेंटिव लेस प्रिवेंटिव का मतलब क्या है कि सिंस यहां पर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में मैनेजमेंट जो टॉप मैनेजमेंट है वो सिर्फ किसी प्रॉब्लम पर ही रिएक्ट करती है तो कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे मेजर्स लेने चाहिए थे कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी हम ले सकते थे वो हम ले नहीं पाते ठीक है कोई चीज पहले स्टेज पर ही सॉल्व हो सकती थी लेकिन चूंकि लोअर लेवल मैनेजमेंट से आपके पास उसका कोई अपडेट ही नहीं आया तो उस सिचुएशन में आप उसको रिजोल्व नहीं कर पाए और हमेशा लोअर लेवल मैनेजमेंट से अपडेट तब आता है जब सिचुएशन उनके हाथ से निकल चुकी होती है खराब हो चुकी होती है तो यहां पर प्रिवेंटिव मेजर्स आप नहीं ले पाते आप रिएक्टिव मेजर्स तो जरूर ले लेते हो राइट सेकेंड प्रॉब्लम जो आती है कि बहुत क्लोज मॉनिटरिंग चाहिए जितने भी लोगों को आपने काम डेलीगेट किया हुआ है वो सही तरह से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं क्योंकि तो इसमें एक प्रॉब्लम क्या आती है ना जब आप किसी को काम देते हो वो पर्सन अगर सही काम नहीं करेगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को काम पता भी नहीं चलेगा कि इश्यू क्या आ रहा है और नीचे लेवल पे वो काम भी नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा डेली ऑपरेशन आपकी सफर करने लग जाती है तो उस चीज को ध्यान में रख करके हमारे लिए समझना जरूरी है कि यहां पर हायर मैनेजमेंट को लगातार विजिलेंट रहना पड़ता है और लगातार लोअर मैनेजमेंट को सपोर्ट करते रहना पड़ता है तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इन मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो थैंक्स फॉर वॉचिंग इफ यू रियली लाइक माई चैनल डू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाएं। अगर आप इस पीपीटी को चाहते हैं या मेरे बाकी सारे नोट्स का एक्सेस चाहते हैं गो टू माय टेलीग्राम चैनल, जो कि स्लैश क्लिक्स के नाम से चलता है वहां पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इट्स कंप्लीटली फ्री सो थैंक यू आई होप कि आपको ये सेशन मजा आया हो पढ़कर अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी बाय